हाय गाइस, हक्का नूडल्स कैसे बनाया जाता है मैं आपको आज बताऊंगी। यहाँ पर मैंने बॉयल पानी में नूडल्स डाल दिया है। अब हम उसको 1 से 2 मिनट तक नूडल्स को पका लेंगे। अब हम उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे ताकि नूडल्स एक दूसरे को चिपके ना। यहाँ पर मैंने 7-8 ब्लैक पेपर लिया है और 3 हरी मिर्च ली है। अब मैं उसका पेस्ट बना लूँगी। आप देख सकते हैं नूडल्स बिल्कुल पक चुके हैं और एक दूसरे को चिपके भी नहीं हैं। अब हम उसको छान लेंगे। नूडल्स को हमने छान लिया है। अब हम उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डालकर उसको ठंडा होने देंगे। यहाँ पर मैंने एक आयरन की कढ़ाई ली है और उसमें तेल डालकर अब प्याज डाल दूंगी। यहाँ पर हमें कढ़ाई का ही आयरन की कढ़ाई का ही यूज़ करना है ताकि नूडल्स एक दूसरे को चिपके ना। अब हम उसमें कैबेज डाल देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कैबेज को मिक्स करने के बाद अब हम उसमें रेड शिमला मिर्च डाल देंगे और उसके बाद हम ग्रीन शिमला मिर्च डाल देंगे और अब उसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। सब्जियों को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है। अच्छे से मिक्स होने के बाद अब हम उसमें जो पेस्ट बनाया है ब्लैक पेपर और मिर्ची का, अब हम उसको उसमें डाल देंगे और एक बार उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स होने के बाद अब हम उसमें नूडल्स डाल देंगे। नूडल्स को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और आप उसको मिक्स करने के लिए 2 चम्मच का सहारा ले सकते हैं ताकि नूडल्स टूटे नहीं। अब हम उसमें 1 चम्मच सोया सॉस डालेंगे। आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं और मैंने यहाँ पर 1 चम्मच टोमेटो सॉस डाला है। अब हम उस दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अजीनोमोटो यूज़ किया है। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं कोई बात नहीं। अजीनोमोटो डालने के बाद अब हम नूडल्स को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं नूडल्स बिल्कुल रेडी है। थैंक यू।